ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम प्लॉट पर चर्चा कर रहे हैं कि आपके प्लॉट का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मला जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिवलाल जी हैं झुंझुनू से। शिवलाल जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। सर, मेरी तारीख 30/7/1995। ठीक है शिवलाल, अब अपना सवाल पूछिए। शिवलाल जी, सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि सर्विस कब तक लग जाऊंगा? सर्विस कब तक लग जाऊंगा? अगले बरस तक जी। निर्मला जी, उसके लिए क्या उपाय करने होंगे? अगर पीला फल दान करते हो तो थोड़ा जल्दी लग जाएगी, जो पेपर दे रहे हो तो पास आउट कर जाओगे, मनचाही नौकरी लग जाएगी। बृहस्पतिवार को पीला फल दान दो शिवलाल जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार देखा गया है कि लोग जमीन खरीद लेते हैं और खरीद के उन्हें छोड़ देते हैं यूं ही, तो क्या करना चाहिए? क्या शुभ रहता है जमीन खरीद कर और ऐसे रख देना? नहीं, बहुत कम समय तक खरीद के रख के छोड़ दिया तब तक तो ठीक है जी। देखिए, अगर जी आप उसको धन समझते हैं जमीन को, तो धन होता है चलायमान, है ना? तो वित्त की तीन गति, दान भोग नाश, पहली जो दोनों करता तीसरी अपने आप हो जाती। तो वहाँ पे बेमतलब पे फिर कूड़े इकट्ठे होते हैं, वो फिर एनर्जी को उलझाते हैं, तो बेचारे जो पड़ोसी हैं उनको तो और भी नुकसान देगा जो वहाँ रह रहे हैं। तो जमीन लेकर के छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें किसी का वास होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उल्टी सीधी चीजों का बसेरा हो जाता है। तो जमीन लेके छोड़ देने से जो जमीन का मालिक है उसको भी नुकसान होगा, और जो बेचारा आजू बाजू रह रहा है उसको भी नुकसान होगा। तो आवश्यकता से अधिक पहली बात तो खरीदो क्यों, और खरीदा तो फिर बना करके किसी को किराए विराए दे दो, कुछ उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर। डंपिंग हर चीज की नुकसानदेह है जी। निर्मल जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी अभी आपने जिक्र किया कि आप जो भी प्लॉट खरीदते हैं उसके पास में खाली प्लॉट नहीं होना चाहिए, तो क्या सच में ऐसा है, और हो तो कितना, किस तरह कंपनसेट किया जा सकता है ऐसा सच में? तो फिर खाली प्लॉट पे पेड़ लगाइए, और आप ही भला करिए दूसरों का भी, अपना भी, ताकि वो शुभ हो सके, और फिर उनको पानी दीजिए, उनको मेंटेन करिए। अगर किसी और का भी है तो आप इस तरीके से उनकी हेल्प कर दीजिए, और तो क्या है जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, झालावाड़ से सुशीला जी है। सुशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सुशीला जी। हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1975। ठीक है, उसके संतान संबंधी पूछ सकती हूँ कि नहीं पूछ सकती हूँ? क्या कह रहे हैं उनके बारे में? उनके संतान के बारे में पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकती हैं। आप उनका वाइफ का भी डेट ऑफ बर्थ बताएं। वाइफ का है 10 मार्च 1977। और दोनों के नाम बता दीजिए। मतलब हस्बैंड का नाम तो संजीव है और वाइफ का नाम कीर्ति। ठीक है, होगा तो सही संतान, पर आर्टिफिशियल कंसेप्शन से होगा, तो उनको IUI और IVF जो होता है उसकी मदद लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन पे जाना चाहिए। और अब वक्त आ गया है, 13 बरस अगर उनकी शादी को हो गए हैं तो उनको अब ट्राई करना चाहिए जी। निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा का प्लॉट ठीक रहेगा, उसके बारे में जितने भी जो दर्शक भाई आपको देख रहे हैं उन्हें अगर आप उपयुक्त जानकारी दे पाए तो देखिए, उसके लिए आपको अपनी पत्नी की मदद लेनी पड़ेगी जी। अगर ये जो घर खरीदने वाला नाम है या शख्स है या जातक है, तो उसका अगर वॉटरी साइन है ना जी, कि उसकी कर्क वृश्चिक या मीन राशि है किसमें, जन्म पत्री में, है ना, तो वो प्लॉट लेगा साउथ ईस्ट का, ताकि उसका एनर्जी लेवल ठीक रहे। इसके अपोजिट जो फायरी साइन है कि मेष है, उसका लगन है ना या राशि जन्म की, मेष सिंह और धनु है, तो वो फायरी साइन हो गया, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया है ना। और ऐसे ही जी, अगर वो पृथ्वी तत्व है उसमें पत्री में, वृषभ राशि है ना, जो भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उसको लेना पड़ेगा फिर साउथ वेस्ट जी, और जो एयरी साइन है उसको लेना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट जी। इस तरीके से नहीं, एयरी साइन को लेना पड़ेगा साउथ वेस्ट। तुम हेल्प करो, हमने तुमको लिख के दिया था वो जी, पढ़ो जी, क्योंकि एयरी साइन वालों को साउथ वेस्ट लेना होगा लगाने में। हाँ, एयरी साइन को तो साउथ वेस्ट में लेना पड़ेगा, पर एयरी राशियां कौन सी हैं वो तुम बताओ जी। वो राशि है मिथुन तुला और कुंभ जी, उनको लेना पड़ेगा वो, और जो अर्थी साइन है उनको लेना पड़ेगा साउथ वेस्ट जी। इस तरीके से कंपनसेशन होता है सब दिशाओं का, चार दिशाएं चार कोनों का जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, मीनाक्षी जी हैं अजमेर से। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मीनाक्षी जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि निर्मला जी उनका संपर्क हमसे कट गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अष्टकोणीय घर होता है वो कितना उपयुक्त होता है लोगों के लिए?
देखिए कोण चाहे अष्टकोणीय हो, चाहे त्रिकोण हो, चाहे षटकोणीय हो, अगर जो उनके कॉर्नर सिमेट्रिकल है, इक्वल एंगल पे है, तो वो अशुभ नहीं होता। वो शुद्ध भूखंड है, उस पे आप अपना चौकोर घर का निर्माण कर सकते हैं। अंदर बल्कि एनर्जी लेवल षटकोणीय अष्टकोणीय घर पे अगर चौकोर घर बनाया और कोण सम है तो अच्छी रहती है। वायु का प्रवाह और रोशनी का प्रवाह बहुत सुंदर होता है और आजकल के आर्किटेक्ट तो पढ़े लिखे तो बहुत सुंदर घर का निर्माण कर सकते हैं और हर कॉर्नर को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो अशुभ नहीं था। लेकिन अगर जे दो कोने कहाँ गए और छह कोने बनते हों या आठ कोण में इधर दो हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाती है, वो फिर अशुभ क्या दिखने में भी ठीक नहीं और अशुभ तो है ही फिर। निर्मला जी, मीनाक्षी जी एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ी हैं अजमेर से ही। मीनाक्षी जी अपने जन्म की तारीख बताइए, अपना सवाल पूछिए। मीनाक्षी जी अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो, मेरे को मेरे बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताए मीनाक्षी। मीनाक्षी जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं किस में जाऊँ। 3 जनवरी 1975। 30 जनवरी 1975 उनकी जन्म की तारीख है। करियर के बारे में जानना चाहती हैं आपसे। कोई भी क्रिएटिव काम कर सकती हैं आप, अगर अभी तक आपने करियर ऑप्ट नहीं किया है तो किसी भी क्रिएटिविटी में जाइए। वैसे तो मेरे हिसाब से करियर होना चाहिए था, आपका छूट जाना चाहिए बीच में। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर लोगों के मन में रहता है, वो ये कि जब वो जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो उन्हें समय और ग्रह नक्षत्र देखने चाहिए वास्तु के अनुसार से भी? हाँ, देखने जाए, बट घर तो शुभ कॉम्बिनेशन में लिया जाएगा तो फलेगा जी। और नींव बुआई तो कम से कम घर की डीलिंग के समय भी और घर की नींव खोते समय भी और जब घर बन जाए प्रवेश के समय भी, तीनों समय में मुहूर्त का विधान है, नहीं तो मुहूर्त शास्त्र बनाई क्यों होता जी। अच्छे समय में अच्छी नीयत से, अच्छे भाव से, अच्छे हिसाब से कुछ काम करेंगे तो सुंदर ही होगा। कोई भी ज्ञान हमारे उपयोग के लिए ही होता है कि उसका हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, संवर्धित करेंगे, पोषित करेंगे जी। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। निर्मला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें प्लॉट के वास्तु से लाभान्वित करने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।